नमस्कार दोस्तों, न्यूज इंडिया 24x7 के एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस बंदे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नेपोटिज्म का बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, आप लोगों ने बिल्कुल अपने थिंकिंग के अंदर जो है नाम आ भी गया होगा, रणबीर कपूर। हालांकि यही एक नेपोटिज्म के अच्छे प्रोडक्ट नहीं है, अक्षय खन्ना आप देख लीजिए वो भी नेपोटिज्म के बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, पर एक ही बंदा है जो इस नेपोटिज्म के ताने से जो है लड़ रहा है, जूझ रहा है और खूब मतलब सक्सेसफुल हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप लोग सोचोगे कि आज ये रणबीर कपूर की बात शायद ब्रह्मास्त्र के लिए कर रहा है, पर मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये न्यूज़ इंडिया 24x7 का एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको वो तो मिलेगा ही मिलेगा जो चल रहा है, जो आपने नहीं सोचा होगा वो भी मिलेगा। अब जो है शमशेरा का पोस्टर जो है कल लीक कर दिया गया, वो भी फैन के द्वारा। मूवी मेकर से पूछा गया कि ये जेन्युइन है, तो मूवी के मेकर्स ने ये बताया कि हाँ ये पोस्टर जेन्युइन है, हम क्या कर सकते हैं यार, जब फैंस को जो है इतना लंबा इंतजार भी करना पड़ा और शायद हो सकता है किसी एक फैन से इंतजार ना हुआ हो, पर हम बड़े खुश हैं जो रेस्पॉन्स आ रहा है पोस्टर के लुक को लेकर। अब मैं आपको बता दूं, 4 साल पहले जो है इस फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और ये अभी तक मेकिंग में थी, अभी भी पता नहीं है कि कब इसकी रिलीज डेट आएगी। रिलीज डेट देखो कब आती है। पर बात करें भाई के लुक की, तो लुक यार गदर है, गजब है। आप भाई की बियर्ड देखो, आप भाई का हेयर लुक देखो, क्या लुक है, क्या गजब लुक है। इससे ये फीलिंग आती है जैसे हमारे अघोरीज होते थे, उस समय के वॉरियर्स होते थे, आप देखो समुराय होते थे जापान के अंदर, आप देखो जंगीज खान होते थे, उस टाइम पे यही लुक होता था। तो ये लुक देखकर पता लग रहा है कि मूवी जो है वॉर के ऊपर है, वॉरियर लुक है तो वॉर के ऊपर है। अब आप लोग ये सोच रहे होगा कि आने वाली जो है ये मूवीज़ बहुत अच्छी होने वाली हैं, रणबीर कपूर के करियर की सबसे बेहतरीन मूवीज़ होने वाली हैं, पर मैं आपसे थोड़ा यहाँ पर डिसएग्री करूँगा। आप लोग सोचोगे कि अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं कि रणबीर कपूर की अभी तक की जो है बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी, तो आप कहोगे ये जवानी है दीवानी या संजू, जो ये 2018 में आई थी। अभी तक जो है उसके बाद रणबीर कपूर हमारे को दिखाई नहीं दिए बड़े पर्दे पर। पर मैं आपको बताऊं, जब इनकी करियर की शुरुआत हुई थी ना, तो इनकी मूवी आई थी एक रॉकेट सिंह, आप उसमें इनकी एक्टिंग देखो, आप देखो तो इसमें इन्होंने जो है सरदार का रोल निभाया था और भाई का लुक उसमें जो है सरदार के रोल में खूब घुस गए थे। बिजनेस के ऊपर ये मूवी थी और वो मूवी जो है ना अपने टाइम से काफ़ी आगे थी। आज उस मूवी को आप जाकर देखो तो आज वो मूवी आपको समझ में आएगी कि अब उसे रिलीज़ कर दिया जाए ना तो वो सुपर डुपर हिट होगी। जो ऑडियंस आज कॉन्टेंट ढूंढती है, उस समय ऑडियंस को थोड़ा मसाला वसाला टाइप पसंद था, पर आज की जो ऑडियंस है, जो हमारे लेवल की ऑडियंस है, जो हमारी जनरेशन है, उसको कॉन्टेंट चाहिए, वो कॉन्टेंट ड्रिवन ऑडियंस है। तो वो जो मूवी है ना वो बहुत बेहतरीन है और उस मूवी को देखकर ही मुझे पता लग गया था कि रणबीर कपूर जो है ना आने वाला सितारा है बहुत बड़ा। और उस समय जो है रणबीर कपूर बहुत छोटा मोटा नाम होता था, उस समय लोगों को ये भी नहीं पता था ये ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बेटे हैं। पर ठीक है, धीरे धीरे वो आगे बढ़े और उनको भी जो है एक मसालादार मूवी करनी पड़ी, ये जवानी है दीवानी, और उस मूवी से उनके जो है टैलेंट को पहचान मिली। उसके बाद उन्होंने संजू करी और संजू के अंदर तो ये खूब खो गए। अगर दूसरी मूवी देखी जाए कोई रॉकेट सिंह के बाद जिसमें उनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, तो वो है आपकी संजू। अब देखने वाली बात होगी कि शमशेरा के अंदर इनका कैसा रोल होता है, कहीं यार ये शमशेरा वाला रोल और ब्रह्मास्त्र वाला रोल कहीं इंटरमिंगल ना हो जाए, पर ऐसा लगता तो नहीं है कि ये कहीं से भी मिक्स होगा दोनों का रोल, दोनों का मुझे लगता है इंडिविजुअल रोल होगा। और यार भाई इंतज़ार करते हैं रणबीर कपूर की इस मूवी का। मैं आपको बता दूं, इस मूवी के अंदर आपको संजय दत्त भी देखने को मिलेंगे, और संजय दत्त तो यार मैं आपको बताऊं, ये तो कहीं भी किसी भी मूवी में जब आ जाए ना तो ये हमारे ना बॉलीवुड के द रॉक है। जैसे द रॉक को किसी भी मूवी में आप डाल दो, मूवी जो है बेहतरीन हो ही जाती है अपने आप डालकर। आप संजय दत्त को आप किसी में भी डाल दो। पृथ्वीराज चौहान के अंदर मैंने जब इसका रिव्यू बनाया था, पृथ्वीराज चौहान का, उसके अंदर भी मैंने कहा था कि जब जब संजय दत्त आते हैं स्क्रीन के ऊपर तो वो फिल्म के अंदर जान डाल देते हैं। अक्षय कुमार हो गए, आपके सोनू सूद हो गए, मानुषी हो गई इसकी जो मूवी की हीरोइन थी, वो सबके सब फीके लगते हैं जब जब संजय दत्त आते हैं। जब संजय दत्त की कैरेक्टर की एंडिंग हो जाती है, जब डेथ हो जाती है जिसमें उन्होंने काका का रोल निभाया, तो वो मूवी वहीं से ना आपको बोर सी लगनी शुरू हो जाती है। आप उस मूवी के अंदर संजय दत्त का इंतज़ार करते हो, तो यही इसके अंदर मसाला भी जो मैं कहूँगा एक मसाला काइंड और जो एक सुपर परफॉर्मेंस आने वाली है वो संजय दत्त के थ्रू आने वाली इस मूवी के लिए। और अभी इंतज़ार करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार नेपोटिज्म का सिर्फ एक यही प्रोडक्ट है रणबीर कपूर, जो आने वाले टाइम में बॉलीवुड को अपने कंधों पर उठा के चलेगा। बॉलीवुड का भी अंत नहीं हुआ है, जब तक ऐसे सितारे हमारे पास हैं बॉलीवुड चलता रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, और ऐसी एंटरटेनमेंट की अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया का 24x7 का ये एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म।